वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से कोविड 19 संक्रमण के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लेकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के संबंध में चर्चा की और कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए तथा कोविड के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कराने के भी निर्देश दिए, जिससे कोरोना वायरस प्रभाव पर लगाम लगाया जा सके। हम लोग हर एक चीज पर निगरानी रख सके, हॉस्पिटल की व्यवस्था पर, बेड्स पर, एम्बुलेंस पर, निगरानी समितियों के साथ संवाद बनाने के लिए, होम आइसोलेशन पे जो लोग एडमिट है उन लोगों के साथ संवाद बनाने का काम हम कर सकेंगे सर। लेकिन ये चीजें नहीं हो पा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ठीक ढंग से फंक्शनल है या नहीं है, क्या इसको आप लोग चेक करते हैं, क्या वहाँ बैठक हो रही है सीएमओ आदि को लेकर के? सर सेंटर सर 24 घंटे फंक्शनल है सर, 3 शिफ्टों में अलग से ड्यूटीज भी है सर, और हम लोग अब एक बार नहीं 2 बार बैठक कर रहे हैं सर। एक बार प्रातः 7 बजे बैठक होती है सर, और सीनियर मोस्ट अधिकारी लोग वहाँ पे निरंतर बैठ रहे हैं सर। सीडीओ लखनऊ रूरल और प्रभारी हैं जो सर निरंतर वहीं पे भी बने रहते हैं सर। इसके साथ ही साथ सर एक जो अच्छी ट्रेंड अभी पिछले कुछ दिनों में निकल के आई है सर, आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा सर। आज 6 अप्रैल की हमारी पॉजिटिविटी जो कल की आई है सर वो 4.86 पे है सर। उसका रीजन है कि यहाँ पे जो है विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती थी, उसकी बात उन्होंने दे दिया पर मैं जानता हूं कभी नहीं होगा, मुझे स्वयं करनी पड़ती है। ऐसा कर रहा हूं उपाय कब चली होगी मैं जानता हूं।